यार एक चीज़ बताओ, अगर आप लोग कुछ डिमांड करोगे तो ऐसा हो सकता है इस चैनल पे वो चीज़ ना आए, राइट? सो आप लोगों के लिए जो आप लोग डिमांड करे थे, सर टाइम टेबल बता दो, विंटर्स में बहुत मुश्किल होता है टाइम टेबल बनाना, एक कंसाइज सा बता दो उनके लिए जो हम रात को लेट सोते हैं और उनके लिए भी जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाया जाए। तो मैंने टाइम टेबल दो तरह से बनाया है, ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और हाँ, ऐसा टाइम टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? मैंने उनके लिए भी बनाया जो रात को सोते लेट हैं और उनके लिए बनाया जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो आपको कोई क्वारी होगी कमेंट भी आप कर सकते हो, बाकी कोई क्वारी आपको होने वाली नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक सुबह के सिकंदर जो सुबह जल्दी उठते हैं और एक रात के धुरंधर जो रात को लेट सोते हैं। दोनों के लिए टाइम टेबल बनाया है, कंसाइज वे में आप एक बार देख लो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आते हैं उन बच्चों पे जो सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह के सिकंदर पे, ठीक है? ये हमारे हो गए सुबह के सिकंदर, मैं एस के एस लिख देता हूँ, मतलब कि सुबह के सिकंदर जो जल्दी सुबह उठते हैं, ठीक है? आप क्योंकि ठंड चल रही है तो आपको जल्दी उठना है, पर ज़्यादा जल्दी मैंने नहीं किया कि 4 बजे 5 बजे, आप आराम से 6 बजे उठोगे, ठीक है? 6 AM आपका वेकअप होगा, 6 बजे आप उठोगे, 6:30 तक आप फ्रेश हो जाओगे, आधा घंटा होगा जैसे आप उठे, ठीक है? आप फ्रेश वगैरह हो गए, आपने ब्रश वगैरह किया, कुछ आपने हल्का फुल्का खाने के लिए लेना हो, चाय वगैरह पीनी हो, कॉफ़ी लेनी हो, जो भी आपको ठीक लगे, आप आधा घंटा है आपके पास फ्रेश होने का, ठीक है? 6:30 बजे बेटा आप शुरू हो जाओगे पढ़ना, 6:30 से 8:30 का आपका 2 घंटे का एक स्टडी टाइम रहेगा, 2 आवर्स का एक सेशन मारोगे आप, योगा आपका सेशन नंबर 1, एस में मतलब सेशन नंबर 1, ठीक है? अब आपने 2 घंटे की स्टडी कर ली सुबह सुबह, ठीक है? उसके बाद आप आओगे ब्रेकफास्ट पे, 8:30 से 9 आप लोगे अपना ब्रेकफास्ट, ठीक है? आधे घंटे का ब्रेकफास्ट आप क्या होगा, मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने ब्रेकफास्ट आधे घंटे का लिखा है। कुछ बच्चे होंगे जो उठ के नहाएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो अभी 6 से 6:30 ही नहा लेंगे और फ्रेश हो जाएंगे, तो वो आप पे डिपेंड है, अपने हिसाब से चीज़ कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और बोल दूँ, ऐसा है थोड़ा बहुत फ्लेक्सीबल आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही आपको फॉलो करना है। एक मैं आपको ये बोल लो कि आइडिया दे रहा हूँ, टेंटेटिव बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है? आइए, अब आपने ब्रेकफास्ट के लिए 9 बजे तक, अब 9 to 2 PM स्कूल, देखो आप सबके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, राइट? आप सबका सिस्टम तो ऑनलाइन चल रहा है अभी, मतलब काफ़ी कम स्कूल्स होंगे जो 9 से 2 बजे तक क्लासेस चल रही होंगी जिनकी। मैंने 9 से 2 क्यों ले लिया, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि ठंड चल रही है इस टाइम, ठंड का मौसम है, तो बच्चे क्या करेंगे, इसके बीच में जैसे सपोज़ 1 आवर फ्री होता है या 1.5 आवर फ्री होता है, उस टाइम नहा लेंगे, राइट? उस टाइम भी बात कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आपको किस हिसाब से ठीक लगता है। और 2 से 3 मैंने आपको चिल के लिए भी दे दिया कि भाई आप सपोज़ करो आपने 2 बजे तक क्लास अटेंड की, सपोज़ किसी के 1 बजे ख़त्म हो जाती है, किसी की 5:30 हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिल करो प्लस लंच वगैरह करो, 3 बजे तक आपका ये चीज़ खत्म हो जाएगी, 2 से 3 बजे तक चिल प्लस लंच। आगे, अब 3 से 6 मैंने आपको 3 घंटे का टाइम दिया। देखो कुछ बच्चे होंगे जो ट्यूशन जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब से कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन किसी ने क्लासेस ली हैं, जो भी है आपका, आपने 3 घंटे वो पढ़ना है। तो फिर 3 से 6 आपके 3 घंटे, चाहे आप ट्यूशन जाओ, ऑनलाइन क्लास जाओ या यूट्यूब स्टडी करो, कुछ भी आप कर सकते हो। 6 से 7 PM आप एक्सरसाइज कर लो, ठीक है? कुछ बच्चे जिम जाना पसंद करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेल लो, आपको मन करे, आपने कोई बच्चे बोलते हैं सर हमने बुक रीडिंग करनी है, आप बुक रीडिंग करो, जो आपको करना है, कोई बोलेगा सर पबजी खेलनी है, जो आपको करे, 1 घंटा आप अपना चिल करो, ठीक है? 7 से 8:30 आपका सेशन नंबर 2 होगा, 1.5 आवर्स की स्टडी का, 1.5 घंटा आप स्टडी करोगे अपनी सेशन नंबर 2, ठीक है? उसके बाद जब आपकी चीज़ हो जाएगी, 8:30 बजे रेस्ट करो आधे घंटे के लिए, मतलब रेस्ट के साथ डिनर करो, ठीक है? आपको टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, यूट्यूब देखना है, जो देखना है करो, साथ में आपका डिनर भी हो जाएगा। आधे घंटे का टाइम दिया, आधा घंटा काफ़ी है। उसके बाद हम आते हैं बेटा, डिनर आपका हो गया, ठीक है? क्योंकि ये सुबह के बंदे हैं जिनको जल्दी सोना भी है। 9 से 10:30 एक लास्ट सेशन मार दो, सेशन 3 सेल्फ स्टडी का, ठीक है? ये मैं लिखता हूँ S3, विच मीन्स सेल्फ स्टडी का 3rd सेशन है आपका, सेशन 3 सेल्फ स्टडी का। 10:30 तक आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी, 10:30 से 11 प्लानिंग प्लस चिल, मतलब आप देखो अगले दिन आपने क्या करना है, रात को ही सोच के बैठो, 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करने के लिए, और 10-15 मिनट चिल मार लो और उसके बाद सो जाओ। तो क्योंकि आपने सुबह कितने बजे उठना है अगले दिन, 6 बजे, राइट? तो ये आपका प्लान है, फॉलो करना, बड़ा मज़ा आपको आने वाला है। अब आते हैं उन पर जो रात के धुरंधर है, रात के धुरंधर मतलब जो रात को पढ़ेंगे और सुबह लेट थोड़ा उठेंगे, राइट? चलिए आइए उन पर भी, जो रात के धुरंधर हैं
उन्होंने बेटा 8 बजे से उठना है, ठीक है, आराम से उठो 8 बजे तक, ठीक है, ठंड वगैरह है, आपको आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, ठीक है, 8 AM आप वेकअप हो जाओ, 8 से 9 AM एक घंटा आप फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। इनका मैंने आधा घंटा दिया था क्योंकि आधा घंटा इनको बाद में ब्रेकफास्ट का भी मिला था, बट क्योंकि उठी लेट रही है रात के धुरंधर, तो ये 8 से 9 एक घंटा ब्रेकफास्ट करेंगे प्लस फ्रेश भी हो जाएंगे, मतलब नहा धो लिया सब कुछ करके ब्रेकफास्ट भी कर लिया। फिर सेम स्केड्यूल चलेगा, 9 से 2 बजे तक उनका स्कूल, 2 से 3 चिल प्लस लंच जो यहाँ पे भी चल रहा था, 3 से 6 भी आपका सेम सिस्टम सेम चलेगा, 6 से 7 आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, सारी चीज़ें सेम। थोड़ा बहुत चेंज मैंने यहाँ पे की है, वो क्या है देखना, 6 से 7 आपका यहाँ पे है, जो सुबह के सिकंदर थे वो सिर्फ 1.5 घंटे का पढ़ रहे थे 7 से 8:30 बजे तक, लेकिन जो ये रात के धुरंधर, इनको मैंने 2 घंटे के लिए बोला सेल्फ स्टडी करने के लिए सेशन 1 में। बताओ क्यों? क्योंकि जो ये रात का धुरंधर है ना, इनकी इस टाइम एनर्जी सबसे ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुबह से सेल्फ स्टडी नहीं की और इनको आदत भी है रात तक लेट जागने की, ठीक है, तो इनके पास अभी काफ़ी एनर्जी बची होगी, तो ये 2 घंटा पढ़ेंगे, जबकि ये जो सुबह के सिकंदरों के थोड़ा सा थक गए होंगे क्योंकि इन्होंने सुबह भी उठ के पढ़ रहे थे सब कुछ किया, तो उनको सिर्फ 1.5 घंटे का दिया है, जबकि यहाँ पे मैंने 2 आवर्स का प्रोडक्टिव सेशन दिया है। मैं चाहता था इसको लेट भी कर सकता है प्रोडक्टिव सेशन को, लेकिन अगर मैं ये चीज़ करता ना तो क्या पता रात को आपको 2 आवर्स कंसल्टेशन नहीं बनती, तो मैंने पहली चीज़ दे दी। तो 2 आवर्स स्टडी करो 7 से 9 बजे तक और 9 से 9:30 डिनर करो आप, ठीक है, आधे घंटे का फ़र्क पड़ेगा एज कम्पेयर टू सुबह के सिकंदर से, क्योंकि आप रात के धुरंधर हो यार, ठीक है, नहीं आप RKD हो, रात के धुरंधर, ठीक है जी। 9 से 9:30 आप करो बेटा डिनर, 9:30 से 11 सेशन मारो 1.5 आवर्स का सेल्फ स्टडी का, ये आपका सेशन नंबर 2 होने वाला है, ठीक है, और फिर 11:30 से 11:30 अब आप क्या करोगे, थोड़ा चिल करोगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कुछ खाना पीना है, तो आप कॉफ़ी पियो, स्नैक्स खाओ, कोई इशू नहीं है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उठो, आधा घंटा बहुत होता है, 11:30 से 1:00 लास्ट सेशन मारोगे 1.5 आवर्स का सेशन नंबर 3 आपका, और 1 बजे आप चीज़ें फिनिश कर दोगे। अब आप सुबह आपने जाना है, ठीक है, रात को आप सोते हुए प्लानिंग कर लो 15 मिनट्स ज़्यादा बोलूँ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है, प्लानिंग करो, जितना टाइम बचता है बाकी 10 से 20 मिनट उसको चिल करो, ताकि आपको 1:30 में सोना ही सोना किसी भी हालत में, ठीक है, तो ये आपका प्लान रहेगा, चाहे सुबह के सिकंदर हो चाहे रात के धुरंधर हो। आप सबको मैंने टाइम कितना दे दिया देखो, आप सबको 3 सेशंस तो लगाने हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी के 3 सेशंस भी कंप्लीट हो गए आपके, राइट, जिसमें आपने कितना आवर्स पढ़ लिया, 2 + 1.5 + 1.5, मतलब आप खुद देखो 5 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, ठीक है, प्लस आपने स्कूल भी अटेंड कर लिया, प्लस आपने ट्यूशन्स भी अटेंड कर ली, प्लस आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, प्लस आपने चिल भी कर लिया, तो सारा मैंने एक ही जगह में आपका इंक्लूड कर दिया, और नींद भी काफ़ी अच्छी है, 6-6.5 घंटे की आपको नींद दी है, काफ़ी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने से दिखा सकते हो, उसकी चिंता मत करना, थोड़ी बहुत चलेगी, क्योंकि एग्जैक्ट आप नहीं फॉलो कर पाओगे, थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, तो प्रेशर मत लेना कि यार सर ने ये चीज़ बोली थी, आधा घंटा हम थोड़े लेट हो गए, कोई इशू नहीं है यार, तुम चैंपियन से तुम कर सकते हो थोड़ा बहुत चेंज, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, तो कोई भी क्वारी अगर आपको अभी भी है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, नीचे कमेंट कर देंगे हम, आप पूछ लेना बिल्कुल सही। बाकी एक चीज़ और बता दूँ आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स वहाँ पे आती हैं, CBSE की हो जाए, हम मोटिवेशन वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, मोटिवेशन लेक्चर्स, ये मोटिवेशन के फोटोज़ वगैरह, स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं वहाँ पे बताई जाती हैं काफ़ी ऑडियो के थ्रू, 1-to-1 बात भी हो जाती है, प्लस एक चीज़ और है वहाँ पे, जो बच्चे डिमांड करते हैं वीडियोस की वो मैं इधर पोस्ट भी कर देता हूँ, राइट। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव मैं रोज़ आता हूँ रात को 10 बजे, जो भी आपकी क्वायरीज हैं आप पूछ सकते हो बिंदास आके, ठीक है सर, टर्म 1 का ये है, टर्म 2 का ये, ऐसा घर पर फोकस नहीं हो रहा, घर वाले तंग करते हैं, जो भी मतलब आपको लगता है कि कुछ भी, हम रोज़ रात को 10 बजे आते हैं डिस्कशन करने, तो आइए मिलते हैं, मज़ा आएगा आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगता है बात करने के लिए। तो बच्चों लाइव ज़रूर अटेंड करो, काफ़ी कुछ आप सीखोगे और काफ़ी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के लिए इजाज़त दो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, जो होगा अच्छा होगा, जो क्वेरीज है पूछ डालो, थैंक यू सो मच।